अबे मैं जीत गया, केप कंप्लीट कर ली मैंने। कैसे हो मेरे मित्रों, मोस्ट लेजेंड्स के एक और गेम प्ले में तुम सबका वेलकम वेलकम है। तो आज मैं करने वाला हूँ मैराथन वाले मोस्टर को हैच, प्लस हम आज के भी खेलने वाले हैं। चलो भाई सबसे पहले मैं गोल्स चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे अपने मल्टीप्लेयर बैटल में। सबसे पहले एक बैटल कर लेता हूँ। देखो मैं मोस्ट लेजेंड्स तो खेल रहा हूँ, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। ज़्यादा खराब हो गया तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, और अगर कम खराब हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। तो देखते भाई कौन आता है सामने। ओके ठीक ठाक टीम है, उतना भी खतरनाक नहीं है, बस मेरे को पहला ही टर्न मिला है, ये अच्छा हुआ भाई। और हम इनका स्टैमिना खा चुके हैं यहाँ पे देख सकते हो, और ओके इनको हमने चांस ही नहीं दिया। और ठीक है भाई ये हो गया, एक तो ख़त्म हो गया ये। वैसे ये कमज़ोर थे काफ़ी ज़्यादा। इसमें एक टैंक मॉन्स्टर भी है जो कि ये टर्टल है, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये कम लेवल का और मैं हूँ ज़्यादा लेवल का मॉन्स्टर, समझ रहे हो ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेवल का मॉन्स्टर है मेरे, मतलब 140-40 लेवल के यार ये, मतलब 4-4 स्टार वाले मॉन्स्टर है मेरे पास, सिवाय मेरे एनसेस्टर के छोड़ के। मतलब मेरे पास एनसेस्टर मॉन्स्टर नहीं है यार, एनसेस्टर मॉन्स्टर की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास। और ये थोड़ा सा मरने में दिक्कत इसलिए ले रहा है क्योंकि ये टैंक टाइप मॉन्स्टर है, तो थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा है इसका, और कुछ नहीं बंदा ये मर जाता इससे पहले, काफ़ी पहले मर जाता, बस इसका हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए नहीं मर रहा है। पर हम मार देंगे यार, मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अकेला तो मेरे तीन मॉन्स्टर को नहीं मार सकता ना, मतलब ये तुच्छ है देखा जाए तो मेरे सामने। ठीक है ये मर गया। ओके भाई लोग अपने को ही नॉर्मल सा चेस्ट मिलेगा, इस गेम में अब वैसा चेस्ट नहीं मिलता, मैं तुम लोग बार बताता रह रहा हूँ। पहले मिलता था रैंडम चेस्ट, अब मिलता है भाई जिस लेवल में हो उस लेवल के हिसाब से चेस्ट मिलता है तुम लोगों को। एक काम करते हैं भाई, हम लोग चलते हैं बाहर और उसके बाद हम लोग करेंगे अपना मॉन्स्टर को हैच, क्योंकि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वैसे एक ऐड आएगा, तो तुम लोग झेल लेना उस ऐड को। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मॉन्स्टर है जिसको हम हैच करने वाले, और मॉन्स्टर लेजेंड वाले ना बहुत ही ज़्यादा ऐड देने लग गया अब, पर कोई बात नहीं भाई, अब दे रहे तो देने दो उनको, उनकी मर्जी है वो। वैसे मैं ऐड काट दूंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग उतना भी, मतलब मैं तुम्हें ऐड तो नहीं दिखाने वाला हूँ ना। ठीक है इसको हैच कर लेते हैं, ये मुझे मैराथन से मिल गया था। वैसे अपना टीम ने कुछ मैराथन में कमाल करा नहीं, पर मुझे इंडिविजुअल वाला रिवॉर्ड मिल गया था, बस यही था यार। और देखो मेरे को ना बुखार आया हुआ है इसलिए बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वरना भाई मैं तुम लोगों को पता है मैं कितना जोशीला रहता हूँ भाई मॉन्स्टर लेजेंड खेलने के टाइम। और ये देख सकते हो भाई कितना ख़तरनाक मॉन्स्टर है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और मैराथन में मिला है तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होना ही था इसको। दूसरे नंबर पर अभी मॉन्स्टर ग्राम पर ही है, मतलब काफ़ी ख़तरनाक मॉन्स्टर है ये। इसको ना हम 100 लेवल कर देंगे क्योंकि कोई वैसा इवेंट चल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको 100 लेवल कर दूँगा। और मेरे पास फूड की वैसे कमी है नहीं, और देखो तुम्हें अगर फूड बनाना ज़्यादा से ज़्यादा तो उसके लिए तुम्हें गोल्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। गोल्ड फार्मिंग करो और हाई फूड बनाओ, मतलब हाई फूड फार्म करो, उससे भाई गोल्ड से हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है, तुम फूड फार्मिंग आराम से कर सकते हो। और अपने को तीनों स्लॉट खाली मिला है, और स्किल्स वगैरह थोड़ी बहुत मैं देख लेता हूँ। वैसे इसके अच्छे खासे है स्किल्स, इसके स्किल्स ये एक सपोर्टिव मॉन्स्टर है देखा जाए तो, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे स्किल्स है भाई, मतलब ये काफ़ी अच्छा सपोर्टर बन सकता है अगर मैं इसको कम से कम 3 स्टार कर दूँ तो, क्योंकि 3 स्टार से नीचे का मॉन्स्टर लेके खेलूँगा ना बिना एंसेस्टर के तो वो ऐसे ही मर जाए। तो इस लेवल पे पहुँच चुका है मॉन्स्टर लेजेंड इस टाइम कि भाई थोड़ी बहुत कम लेवल वाले को लेके खेलूँगा तो ऐसे ही मर जाऊँगा, इसलिए मुझे ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स चाहिए भाई। एंसेस्टर फिर भी काम चला लेता है। तो हमने मॉन्स्टर भी हैच कर लिया, प्लस हमने मल्टीप्लेयर बैटल भी कर लिया, तो अभी करते भाई एंटर अपने केव में। और इसमें आज एंसेस्टर मॉन्स्टर नहीं है, पर चलो कोशिश करते भाई। वैसे मेरी किस्मत ख़राब रहता है, देखो मैं दूसरी या पहली बार में पकड़ जाता हूँ, मतलब दो तो ऐसे ही मिल जाता है, उसके बाद जो पहला राउंड आता है ना 3 नंबर वाला उसमें मैं पकड़ा जाऊँगा। देखो इसमें तो नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें आता ही नहीं है, तो क्या ही पकड़ा जाऊँगा मैं, पता नहीं इसको मेरा ट्रिक पता चल जाता है यार। आज मैं थोड़ा सा अलग सा ट्रिक आजमाऊँगा, रुक जाओ, इसमें भी नहीं आता है। अब देखो तीसरे में आता है, इसमें मैं पकड़ जाऊँगा जहाँ तक हर बार पकड़ा जाता हूँ। ओके भाई मैं इस बार पकड़ा नहीं गया, ठीक है चौथे में ट्राई करेंगे। और इसमें निकला है ना, तो देखो हमें इसमें टच तो करना नहीं है क्योंकि ये दो दो बार आएगा उसमें, और जिसमें टच करा उसमें भी नहीं करना, तो इसमें करना था मुझे, और इसमें हम पकड़े नहीं गए। देखा उसी में आया, अगर मैं उसमें दोबारा करता ना, मेरा ट्रिक ये समझ चुका है कि मैं एक ही चीज़ में दो दो बार करता हूँ टच, इसलिए भाई वो उसमें नहीं आया। और इसमें 4 जैम मिल चुके, काफ़ी सही है, अब मैं जैम यूज़ कर पाऊँगा, 5 जैम तो यूज़ कर ही लूँगा। देखते हैं भाई कितना दूर तक पहुँचते हम। ठीक है इसमें ही पकड़े नहीं गए हम, काफ़ी सही है। और ये है कोने वाले में, तो हम ये वाला और उसको तो हम टच नहीं कर सकते, इन साइडों के दोनों को टच करना पड़ेगा। ठीक है नहीं निकला, चलो बढ़िया बढ़िया है भाई। और ये उस कोने में आया जिसमें मैंने पहले टच करा था, ये सही है। तो मुझे थोड़ा सा ट्रिक लगा के खेलना पड़ेगा, तो मैं उस कोने वाले में नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता। और ये देखो भाई ये इसमें नहीं निकला क्योंकि मुझे पता था एक ही में जब 2 बार निकल रहा है ना तो उसमें तुम 3री बार कर लो, इससे जो तुम्हारा ट्रिक है ना वो समझ नहीं पाएगा जब वो एक ही बार 2-2 बार निकल जाए। देखा इसी में निकला वो, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसमें टच करूँगा क्योंकि वो उसमें से निकला। अब इसमें नहीं करेंगे हम क्योंकि उसमें करेंगे तो वो उसी में निकल जाएगा,
और इसमें से ओ इसमें निकलता नहीं, चलो बच गया भाई। मुझे लगा भाई मैंने ध्यान नहीं दिया ना, जो जोश में से काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ भाई, इतना दूर तक मैं आ नहीं पाता हूँ, पर इस बार मैं आ गया हूँ। और देखो हो रहा कोने में, ये बंदा ना दिक्कत बहुत देता है, तो भाई देखो सोच समझ के खेलना पड़ेगा, ट्रिक लगा के, बिना ट्रिक के ना गड़बड़ हो सकती है। देखते भाई उस कोने में नहीं, यू बराबर वाले में ही था भाई। अच्छा वह पकड़ा नहीं गया भाई, पकड़ लेता है ये, तुरंत पकड़ लेता है मेरे को। इसमें नहीं करेंगे हम, इसमें करेंगे क्योंकि भाई ये इसी में निकलेगा, मुझे पता था भाई। भाई मैं बहुत तगड़ा ट्रिक लगा रहा हूँ इस समय, जिससे भाई मैं पकड़ा ना जाऊँ, मतलब बहुत ही तगड़ा ट्रिक। ठीक है इस बार भी बच गए हम, काफ़ी सही है क्योंकि उसमें दो बार निकल चुका था, और इस बार कोने वाले में गया शायद, उसको लगाएगा मैं उसमें जाऊँगा, पर वो गधा है, मैं उसको उल्लू बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओ 200 मिल गए, चलो बढ़िया है भाई, 200 गोल्डन टिकट मिल चुके हैं अपने को, एनसेस्टर सम्मान वाला। सही है, वैसे 2-3 हज़ार चाहिए था मुझे, पर कोई बात नहीं, 200 से भी काम चला लेंगे हम। और इसमें ऐसे रैंडमली करना पड़ा, वो 25 भी मिल गए भाई, 25 गुना कर देता 200 का, 25 गुना भाई 2500 हो जाता मेरे हिसाब से, मज़े आते हैं। कोने वाले में निकला है, याद रखना पड़ेगा, कोने वाले में वो निकला है। ओ पकड़ लिया भाई, मुझे मैंने सोचा कि इसमें तो नहीं आएगा, चलो कल लगा लेते भाई, 8 जैम तो मिल ही जाएगा हमें। ठीक है इसमें तो वैसे और पकड़े नहीं जाते, और इस वाले में वैसे वो बैन ही है, अगले जो राउंड आने वाला है तो उसमें भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो कोई सा भी एक कर लेते हैं क्लिक यहाँ पे। ठीक है इसमें था ही नहीं वो, तो कोई डर नहीं था मुझे। आज मुझे लग रहा है भाई कंप्लीट हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर एक और बार पकड़ा जाऊँगा तो कर लूँगा, फिर मैं कलेक्ट कर लूँगा 10 जैम लगा के, भाई 2 जैम कुछ ही जैम का घाटा होएगा। तो वो कोने वाले में निकला है, और इसमें शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, तो इसी में कर लेता हूँ क्योंकि इसमें आता ही नहीं है मेरे हिसाब से वो। ठीक है इस वाले में जिसमें येलो कलर का ये रहता है ना, इसमें वो आता नहीं है, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं 21 तक पहुंच चुका हूं भाई, देखते हैं भाई वो किस में निकलेगा, कोने वाले में। ठीक है याद रखना पड़ेगा ये कोना, और इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि भाई ये तो इन दोनों में से एक में ही आएगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें करता हूं। ठीक है दिखा भाई किस में आया, ओ भाई इस बार उसने भी थोड़ा सा ट्रिक लगाई थी, पर मैं बच गया, किस्मत से बच गया मैं, उसने भी थोड़ा बहुत ट्रिक तो लगाएगा ना, वो भी अपना दिमाग लगा रहा है, फिर से बच गए हम भाई, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, 5 जैम लगा के इतना ऊपर नहीं आता हूँ मैं, मतलब ये पकड़ लेता है शायद। एनसेस्टर वाला ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें तो मैं बार बार बच जा रहा हूँ, इस बार बच गया, 6 जैम भी मिल गए भाई, अब तो मैं 10 जैम भी लगा सकता हूँ, मतलब 10 जैम लगा के मैं कलेक्ट कर लूँगा, थोड़ी बहुत ही घाटा आएगा जैमों का बस। ठीक है इसमें तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, कोई सा भी टच कर दो, टेंशन की बात नहीं है। और नेक्स्ट राउंड में चलो भाई, ठीक है हम काफ़ी ऊपर पहुँच गए, 25 तक पहुँच गए, 26 तक पहुँच गए, मतलब हम देख, ओ 50 और मिल गए भाई, क्या किस्मत है यार आज तो, बढ़िया किस्मत चल रहा है। सही है भाई ये बीच वाले में निकला है, मतलब साइड का दूसरे नंबर पे, और उसी में निकलेगा जहाँ तक ये मुझे लग रहा है। देखा अगर मैं उसमें टच करता ना, ये बंदा मुझे फिर सरप्राइज़ करता भाई, सच्ची कह रहा हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक है, वो मुझे पकड़ लेता है हर बार। और ठीक है बढ़िया है भाई, 2 बार उसमें निकल चुका था, मैंने थोड़ा सा खतरा उठाया, मैंने और मैं बच गया, खतरा उठाने से बच जाते हो तुम। गेम में थोड़ा ट्रिक लगा के खेलना पड़ेगा समझ रहे हो, थोड़ी बहुत ट्रिक लगा के। और ये कोने वाले में, ठीक है इस कोने में हो गया, इस कोने में हो गया, बीच में से दोनों में से एक में टच करना पड़ेगा मुझे। ओ ख़त्म हो गया क्या, अबे ख़त्म हो गया, अबे मैं जीत गया, केप कंप्लीट कर ली मैंने भाई, दूसरी तीसरी बार मैंने केप कंप्लीट कर लिया, वह मजे आ गए भाई, केप कंप्लीट कर लिया तुम्हारे भाई ने आखिरकार। ऐड देखने के बाद हम वापस आ चुके और तुम्हारे भाई ने केप कंप्लीट कर लिया। और देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका सेल्स लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ये मॉन्स्टर पहले से ही है, तो इसको मैं 3 स्टार कर पाऊँगा इसके सेल्स से, तो इसको बस हमें रैंक अप करना है, इसको कर लेते हैं यहाँ से रैंक अप पे बिठा देते हैं, तो बढ़िया है भाई। तो आज हमने भाई केप कंप्लीट कर लिया, प्लस एक नया मॉन्स्टर भी हैच करा, और हम मल्टीप्लेयर भी जीते यार, बड़ी बात यह है कि हमने केप कंप्लीट करी है। आई होप भाई तुम लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना कृपया करके भाई, जिससे मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है अभी मेरी तबीयत ख़राब है, आई होप मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊँ जल्द से जल्द, नहीं कर पाऊँ तो कभी ना कभी तो कर ही दूंगा, चलता हूँ भाई।